हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 1 मई 2019 की प्रीलिम्स रटर सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज हम हमारी जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर आज हमारी जो न्यूज़ है उनको हम कवर करने वाले हैं। देखो, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आपको पता है कि 2 जून को हमारा पेपर है यूपीएससी का। तो अभी देखो, जो करंट अफेयर है पेपर, आपको पता है ऑलमोस्ट सेट हो चुका है। तो अभी जो आगे का करंट अफेयर है वो प्रीलिम्स 2019 के लिए इम्पोर्टेंट है, वो नहीं है। मतलब क्योंकि पेपर सेट हो चुका है, तो अभी हमें मई महीने का करंट अफेयर वो पढ़ने की कोई इतनी ज़रूरत है वो नहीं है। तो अभी जो आगे हमारी डिस्कशन है 1 महीने के लिए, वो अभी स्टॉप रहेगी। इसके बाद में वापस हमारी आगे डिस्कशन है वो कंटिन्यू रहेगी। तो देखो, इसमें है कि अभी 1 महीने में ऐसा नहीं कि कोई भी वीडियो नहीं आएगा। एक तो देखो, हमारे जो मैपिंग के कुछ मतलब अभी 2 ही कंटेंट कंप्लीट हुए हैं, तो बाकी जो वीडियो हैं अभी 4 वीडियो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज कल या 2-3 दिन में उनको पब्लिश वो कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बीच बीच में कुछ अगर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगे तो उनको यहाँ पे जैसे रिपोर्ट्स वगैरह की, तो वो वीडियो आपको यहाँ मिलते रहेंगे। बट मेनली जो प्रीलिम्स अपडेटर का जो ये डिस्कशन थी हमारी डेली न्यूज़, ये अभी आगे कुछ टाइम के लिए सस्पेंड है वो रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो ये है कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ध्यान रखना, इसने साउथ टू नॉर्थ है वो अरेंज करने की बात कही है। पहला है थालघाट, दूसरा भोरघाट, तीसरा है पालघाट। देखो, थालघाट है वो आपको बता देता हूँ साथ साथ ही, कह मुंबई को पुणे से, सॉरी मुंबई को नासिक से। भोरघाट है वो जोड़ता है मुंबई को पुणे से, ये आपको ध्यान में रखना है कि थालघाट है वो जोड़ता है मुंबई को नासिक से, और भोरघाट जो होता है मुंबई को पुणे से। पालघाट है वो कहाँ है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। पालघाट कहाँ पे, इसकी लोकेशन आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ये एक्चुअली वेस्टर्न घाट के पासेज हैं, वेस्टर्न घाट के पास हम जिसे बोलते हैं दर्रा, वो है ही। तो इनको साउथ टू अगर नॉर्थ अरेंज करना हो तो ऑब्वियसली पहले पालघाट आ जाएगा, फिर भोरघाट, फिर थालघाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगर यूपीएससी पूछे नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए तो क्या हो जाएगा, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, ये तीनों सिक्वेंस में ऐसे कैसे ही आ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रियदर्शनी न्यूज़ में रहता है किस रिलेटेड है। देखो, प्रियदर्शनी है ना वो इंडिया के कोस्ट गार्ड वेसल है, ये आपको ध्यान रखना है, अभी न्यूज़ में था। तो उसका आंसर बी है वो होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है आपके सामने मंजरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेके है। मंजरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे लोकेटेड है। देखो, मंजरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यह तेलंगाना में लोकेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने वो है आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में। पहला स्टेटमेंट यह है कि यह एक हेरमिस क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि रॉयल नेवी यूके के द्वारा कमीशन है वो किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसके द्वारा इंडो पाकिस्तान जो वार हुआ था 1971 में, उसमें इम्पोर्टेंट रोल है वो निभाया गया था। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि आईएनएस विक्रमादित्य है ना वो एक्चुअली किसका है, रसिया का है, ये आपको ध्यान में रखना है। रसिया का थे, इसको इंडिया ने लिया था 1987 में। मतलब मेनली पहले रसिया की नेवी में था, फिर इंडिया ने इसको 1987 में लिया था। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। और दूसरी बात, ये हेरमिस क्लास का एयरक्राफ्ट जो एयर कैरियर है वो नहीं है, ये भी गलत है। तो इसका मतलब पहले और दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर ए नॉर बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लेके है। कंटेक्स्ट क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। कंटेक्स्ट ही है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉर जो क्लाइमेट चेंज है उसके द्वारा भी एक कमेटी है वो बनाई गई है, किसके लिए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। है क्या नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, पहले ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, ये जो प्रोग्राम है ना, इसका मोटो साफ साफ ये है कि हमारे देश में जो पोल्यूटेड सिटी हैं वहाँ पे जो पोल्यूशन है इसकी मात्रा को कम करना। अब उसके लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क है, प्रॉपर टाइम है, वो अरेंज किया गया है, तो उसको भी हम देखेंगे। बट इंपॉर्टेंट बात ये आपको ध्यान में रखना है कि इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट है या फिर कोई और भी जो एक्ट है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसमें कहीं भी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का उल्लेख है वो नहीं किया गया है। यूपीएससी पूछ सकते कि भाई इसको कहीं नोटिफाइड वगैरह किया गया, नहीं भाई ऐसा कहीं भी नहीं है। इसका मोटो यही है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के थ्रू इफेक्टिव तरीके से जो क्लाइम हम जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि पॉल्यूशन हो रहा है इसको कम है वो हमें करना है, और एयर क्वालिटी को मैनेज कर रखा टाइम बेस के ऊपर टारगेट इसके लिए गए हैं। जैसे टारगेट भी हम थोड़े देख लेते हैं। देखो, इसका मोटा टारगेट ये है कि हमें PM 2.5 और जो PM 10 है ना, पर्टिकुलर मैटर 2.5 और पर्टिकुलर मैटर 2 सॉरी 10, इन दोनों को हमें 20 से 30% कम करना है। मतलब इनकी मात्रा PM 2.5 और PM 10 दोनों को मिला के इसकी मात्रा 20 से 30% हमें कम करनी है। कहाँ, 2024 तक। और रेफरेंस ईयर कौन सा लिया जाएगा, 2017, यानी कि
दूसरे शब्दों में ये कहने आए कि 2017 में PM2.5 और PM10 जितने वातावरण में है ना, इनको 2024 तक 20 से 30% कम है वो करना है। दूसरा ये है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB है, वो इसको लेके जो भी गाइडलाइंस है उनको एग्जीक्यूटिव करेगी। इसी के साथ ही जो प्रोग्राम है उसको मतलब फोकस है या एग्जीक्यूटिव करने का काम है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। और ये किया जाएगा एक तो सेक्शन 162 किसका, ये आपको ध्यान रखना है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1986 के तहत ये इसको इम्प्लीमेंट है वो करने वाली है। एक ये फैक्ट ध्यान में रखना है कि इंडिया के सभी स्टेट में यह अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं भाई ये इंडिया के 23 स्टेट और यूनियन टेरेटरी में ही अभी अप्लाई हो रहा है। लगभग 102 सिटीज़ को इसमें आइडेंटिफाई किया गया है। देखो कौन सी सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। 2011 और 15 के बीच में जो भी सिटीज़ है ना, मतलब 2011 से 15 के बीच में सिटीज़ ली गई हैं, वो सिटी ली गई हैं जहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी। उन सिटीज़ को आइडेंटिफाई करके सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो आइडेंटिफाई करेगा और फिर उनने 102 सिटियों को बेसिकली नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत साफ सफाई, हम बात करें यहाँ पे PM2.5 और 10 पे फोकस किया जाएगा। मेनली दो ही यहाँ पे गैसें हैं ये हमें ध्यान रखनी है, 2.5 और 10। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स। देखो अभी जो पुलवामा अटैक हुआ था इसके बाद में आपको जैसे आपने न्यूज़पेपर में भी सुना था, प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली आह्वान किया था कि भाई आर्मी को नेवी एयरफोर्स को फ्री हैंड दे दिया गया है, अब वो चाहें जो वेपन्स प्रोक्योर कर सकते हैं डायरेक्टली और वो मुंह तोड़ जवाब वगैरह दे सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर दी गई थी आर्मी नेवी एयरफोर्स को यानी डिफेंस सेक्टर को। अब ये क्या होती है इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर वो हम देखते हैं। इसके देखो कुछ फीचर्स हैं, जैसे ये दी गई थी एक तो 300 करोड़ तक की, इसका मतलब ये था कि इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स है तीनों है ना, ये 300 करोड़ तक के वेपन्स है ना वो खरीद सकती हैं अगर उनको जरूरत हो तो, मतलब बिना किसी गवर्नमेंट की परमिशन के। क्योंकि जब देखो वॉर होता है तो उस टाइम पे ऐसा नहीं कि बार बार आप मतलब सरकार से परमिशन लो, डायरेक्टली उनको अगर वेपन वगैरह खरीदने होते हैं तो वो बाहर से कहीं से भी वेपन प्रोक्योर खरीद कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसमें 300 करोड़ तक की अमाउंट है वो अप्लाई होती है। इसके साथ ही कुछ और भी फीचर्स होते हैं, जैसे कि अगर इंडिया कुछ बाहर से वेपन खरीद रहा है इस पावर के तहत तो जो भी है वेपन्स वो 3 महीने के अंदर डिलीवर हो जाने चाहिए या फिर मैक्सिमम 6 महीनों में कुछ लिमिटेड केस में। और जो जितना पैसा बाहर से खरीदना है वो 300 करोड़ तक की लिमिट होती है, मतलब 300 करोड़ से ज़्यादा की वेपन आप बाहर से नहीं खरीद सकते, ये से इसमें कुछ लिमिट्स होती हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अभी कंटेक्स्ट यह है कि इंडिया के जो डिफेंस सेक्टर हैं इन्होंने दो मिसाइलें हैं, एक तो है स्पाइक LR जो कि एंटी टैंक मिसाइल है, ये बेसिकली इसराइल से है। इसकी जो हम बात करें रेंज है वो है लगभग 4 किलोमीटर के पास। ध्यान रखना है स्पाइक जो एंटी टैंक मिसाइल है ना, ये बेसिकली लेजर गाइडेड है, ये इसराइल से ली जा रही है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, UPSC इसके बारे में पूछ सकती है। और एक है यहाँ पे इग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि रसिया का है। तो दोनों ध्यान रखना, एक तो रसिया से क्या लिया जा रहा है इग्ला एस और इसराइल से लिया जा रहा है स्पाइक LR। तो अभी इंडियन डिफेंस सेक्टर ने डिसाइड किया कि भाई ये दो वेपन्स हैं वो इंडिया प्रोक्योर करेगा जो अभी गो पावर मिली है उनको इस पावर के तहत। तो ये बेसिकली कंटेक्स्ट है वो यहाँ पे आया है। तो UPSC इन दोनों के बारे में पूछ सकती है, स्पाइक LR एंटी टैंक मिसाइल और इगला एस दोनों के बारे में, कहाँ से इंडिया प्रोक्योर कर रहा है, डिफेंस मिनिस्टर ने भी इसके लिए अप्रूवल है या आप बोल सकते हो कि उन्होंने डिसाइड किया है। रीजन हमने देख लिया कि भाई जब पुलवामा अटैक हुआ था तो गवर्नमेंट ने आर्मी को फ्री हैंड दे दिया आर्मी फोर्स को कि भाई आप वेपन्स वगैरह प्रोक्योर है वो कर सकते हो, लिमिट कितनी है 300 करोड़ तक के वेपन वो खरीद सकते हैं प्रायोरिटी बेसिस पे अगर उनको जहाँ भी जरूरत हो तो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आपके सामने ग्रीन कार लोन के बारे में। क्या है ग्रीन कार लोन, देखो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं इनको परचेज करने के लिए जो लोन दिया जाता है उसका नाम है ग्रीन कार लोन, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज करने के लिए अगर कोई भी पर्सन लोन लेगा बैंक से उसको नाम दिया गया है ग्रीन कार लोन। और ये इंडिया में इनिशिएटिव स्टार्ट किया है SBI बैंक ने, यानी कि SBI बैंक ने इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए लोन देने के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है ग्रीन कार लोन। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया का पहला ऐसा कौन सा बैंक बना है SBI जिसने ग्रीन कार लोन का इनिशिएटिव स्टार्ट किया। अब UPSC पूछ सकती है कि कौन सा व्हीकल वगैरह होगा, तो हमें ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करने के लिए ये मतलब एक स्पेशल इस इनिशिएटिव है वो स्टार्ट लिया गया है इन्वायरमेंट फ्रेंडली तौर पर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो है अकादमिक लोमोनोसोव। क्या है ये अकादमिक लोमोनोसोव वो हम यहाँ पे देख लेते हैं।
यह एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसके बारे में हम लोगों को बहुत टाइम पहले भी डिस्कस किया था, मतलब अप्रोक्सीमेट 3-4 महीने हो गए हैं। ये एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहाँ का है ये? रशिया का है। बस ये दो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, कितनी मेगावाट ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ध्यान रखना है अकादमिक लोकमानसों, जो न्यूक्लियर एक पावर प्लांट है जो कि फ्लोटिंग मतलब शिप के ऊपर तैरता रहता है, और इसकी हेल्प से कुछ दूर दराज के रिमोट एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो की जाएगी रशिया के द्वारा। यह रशिया का इनिशिएटिव है। कंटेक्स्ट यह है कि अभी इसने अपना कॉमर्शियल ऑपरेशन है वो स्टार्ट कर दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई है कहाँ का ये फ्लोटिंग जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है भारतीय स्क्रिप्ट को लेके। देखो भारतीय जो स्क्रिप्ट है ना, यानी भारतीय स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? लिपि। जिस तरीके से हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ना, उसी तरीके से भारतीय स्क्रिप्ट यानी भारतीय लिपि। देखो आपको बताया कि इंडिया का जो इंडिया के अंदर काफ़ी सारे लैंग्वेज हैं, और मेनली जो नो इंडियन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है ना, उन लैंग्वेज को सबको मिला के स्क्रिप्ट है वो बनेगी है। तो ये इफेक्ट आपको ध्यान में रखनी है। इसमें देवनागरी लिपि को भी यूज़ किया गया है, बंगाली लिपि, इसके साथ ही यहाँ पे गुरमुखी, गुजराती, उड़िया, तेलुगु, कर्नाटक, मलयालम, तमिल, इंग्लिश, उर्दू, इन सबको मिला के इस लैंग्वेज को है वो या इस लिपि को है, आप बोल सकते हैं इस स्क्रिप्ट को बनाया गया है। किसने बनाया है? IIT मद्रास के साइंटिस्ट ने इस लिपि को या इस बोल सकते हो स्क्रिप्ट को डेवलप है वो किया था, तो इसीलिए अभी यह न्यूज़ में आई है। अब देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो IIT मद्रास के साइंटिस्ट है ना, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो क्या करेगा, दे जो भी कहीं भी भारतीय स्क्रिप्ट लिखी हुई रहेगी उसको मतलब वो जिस तरीके से फोटो के फॉर्म में उनको एक तरीके से रीड है वो कर सकता है। जिस तरीके से आपने यू डिक्शनरी का एप्लीकेशन देखा है और भी एप्लीकेशन देखे हैं, वो क्या करते हैं, अगर डाटा आपके सामने है तो उसकी फ़ोटो के फॉर्म में उसको वो मतलब फ़ोटो से हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से राइटिंग वगैरह में कन्वर्ट है वो कर सकते हैं, मतलब वर्ड्स में। तो उसी तरीके से उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भारतीय स्क्रिप्ट है उसका एक सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया है। तो UPSC पूछ सकते हैं कि भाई भारतीय स्क्रिप्ट है वो किसके द्वारा बनाई गई थी। इंडिया की देखो जो सभी लैंग्वेज है ना, उन लैंग्वेज को मिला के, सारी लैंग्वेज हैं उनका सबको मिला के, सबसे एक एक दो दो पॉइंट लेके ये भारतीय स्क्रिप्ट है वो बनाई गई थी। किसके द्वारा? IIT मद्रास के साइंटिस्ट ने ही इनको बनाया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंडिया की कॉमन स्क्रिप्ट है। क्यों? क्योंकि इसी स्क्रिप्ट में इंडिया की जो जितनी भी लैंग्वेज है ना, उन लैंग्वेज के सभी के कुछ ना कुछ अंश आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। अगर देखो आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इसी के साथ ही जो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है वेलकम UPSC के नाम से, वहाँ पे आपको और भी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर दी जाएगी। बाकी जो आप एक तरह से एडमिट कार्ड वगैरह हैं वो डाउनलोड कर सकते हो, अभी मार्केट में या हम बोल सकते हैं कि UPSC की वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो फिलहाल इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।